में एक शानदार सफर के बाद आखिर में टीम इंडिया खिताब से चूक गई। फाइनल मुकाबले में भारत 6 विकेट से हारकर तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने से चूक गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती 2 हार के बाद खिताबी मुकाबले में जीत के साथ 6ठी बार चैंपियन का ताज अपने नाम किया। टीम इंडिया की हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी मैदान में ही रो पड़े और सवाल कई उठ रहे हैं। हार और जीत अलग बात है, लेकिन खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया जिस तरह खेली वो कहीं से पिछले 10 मैचों की तरह तो बिल्कुल नहीं था। पहले ओवर से ही टीम इंडिया कभी लड़ती नहीं दिखी। पहले बल्लेबाजी में निराश किया, फिर गेंदबाजी और फील्डिंग में। विकेट के पीछे केएल राहुल ने भी काफ़ी निराश किया। इस बीच टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ को लेकर भी अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। लोग पूछ रहे हैं अब राहुल द्रविड़ का क्या होगा, क्या टीम इंडिया से उनकी छुट्टी हो जाएगी। राहुल द्रविड़ को लेकर ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया वर्ल्ड कप हार गई है। दरअसल राहुल द्रविड़ का BCCI के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है। राहुल द्रविड़ ने नवंबर 2021 में टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने रवि शास्त्री की जगह ली थी। शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट T20 वर्ल्ड कप 2021 में टीम इंडिया के ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद ही खत्म हो गया था। BCCI ने शास्त्री का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया और राहुल द्रविड़ को जिम्मेदारी सौंप दी गई। हेड कोच की नियुक्ति 2 साल के लिए होती है। अब वर्ल्ड कप खत्म होने के साथ ही राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है। अगर टीम इंडिया चैंपियन बनती तो इस बात के बहुत चांसेस थे कि राहुल द्रविड़ को बतौर कोच एक और टर्म दिया जाता। 2019 वर्ल्ड कप की हार के बाद BCCI ने रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया था, लेकिन राहुल द्रविड़ को लेकर इस बात की संभावना बहुत ही कम है। वर्ल्ड कप फाइनल की हार के बाद राहुल द्रविड़ से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा, मैं अभी खेल खेल कर आया हूँ, मेरे पास इस बारे में सोचने के लिए समय नहीं है और इस पर विचार करने के लिए भी समय नहीं है। हाँ, जब मुझे ऐसा करने का समय मिलेगा तो मैं ऐसा करूँगा, लेकिन इस समय मैं पूरी तरह से इस अभियान पर केंद्रित था, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था, भविष्य में क्या होगा इस बारे में कोई अन्य विचार नहीं किया है। ऐसे में सवाल है कि अगर राहुल द्रविड़ बतौर कोच अपनी दूसरी इनिंग के लिए तैयार नहीं होते हैं तो टीम इंडिया का अगला कोच कौन होगा। 2023 नवंबर से टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। सवाल है कि क्या इस सीरीज में टीम इंडिया का कोच बदल जाएगा या अभी राहुल द्रविड़ ही बने रहेंगे। खबरें ऐसी भी हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान VVS लक्ष्मण को कोच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लक्ष्मण अभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।